नमस्कार, आज का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं राजीव चंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज सबसे पहले आज का रिपोर्टर में एक खास शख्सियत से बातचीत। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि सुधार, चाहे वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली पीएम किसान योजना हो या इस समय विवाद का केंद्र बने हुए तीन कृषि संबंधी विधेयक, यानी कि अब जो कानून बन चुके हैं। भाजपा नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर ही ये कदम आधारित हैं। जी हां, 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एफसीआई के पुनर्गठन और कृषि सुधार पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। 2015 में इस कमेटी ने सरकार को कृषि सुधारों पर अपनी सिफारिशें सौंपी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 2014 में बनी कृषि सुधार समिति के अध्यक्ष शांता कुमार हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वागत है शांता कुमार जी आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही है कि सरकार और किसानों के बीच में जो मतभेद हैं वो आंदोलन का रूप अब ले चुके हैं, पिछले 21 दिन से किसान डटे हुए हैं, लेकिन आखिर क्यों सरकार किसानों को अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद समझाने में नाकाम रही है? देखिए, भारत में, भारत कृषि प्रधान देश है और गांधी जी ने कहा था भारत की व्यवस्था कृषि प्रधान ग्राम प्रधान होनी चाहिए, लेकिन शुरू में समाजवाद के नाम पर पंचवर्षीय योजना, बड़े बड़े शहरों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनी और गांव करीब पिछड़ गया। उसके बाद थोड़ा संभला देश, लेकिन आज भी कृषि हमारी पुरानी व्यवस्था में चल रही है। अब उसका आमूल चूक परिवर्तन करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है, पूरी तरह से बदलने की, और पूरी तरह से बदलने की जब कोशिश की जाती है तो वेस्टर्न इंटरेस्ट उसके अंदर सामने आते हैं। अब देखिए, 30 से लगभग प्रदेश हैं भारतवर्ष के अंदर, केवल 2 प्रदेशों में मुख्य रूप से आंदोलन है, और वो आंदोलन को कौन लीड कर रहे हैं? बिचौलिए और कमीशन एजेंट। पंजाब में ही जो लगभग साल का 5,000 करोड़ रुपया लेते हैं और किसानों का शोषण करते हैं, वो शोषण बंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिनके चुंगल से नरेंद्र मोदी जी किसानों को निकालना चाहते हैं, उन्हीं के प्रचार के भ्रम में किसान आ रहा है। एक बात, दूसरे किसान अधिकतर पूरे देश का खेत में है, ये अधिकतर बड़े किसान 6% किसान जो एमएसपी का फायदा उठाते हैं। कमाल की बात है कि पूरे देश में एमएसपी किया जाता है और 6% किसान अपना अनाज सरकार को देते हैं, बाकी गरीब किसान तो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता। तो शोषण और बिचौलिएपन से निकालने के लिए हम ये कानून लाने की कोशिश करें, और मुझे इस बात की खुशी है सरकार पूरी तरह से सुन रही है, अमेंडमेंट करने की बात कर रही है। आओ और कुछ शक है तो बताओ, लेकिन ये जो हट धर्म है उसका कारण ये है कि कुछ अन्य लोग शाहीन बाग कोई जी शांता कुमार जी, चूंकि आप इतने बड़े जानकार हैं और जो कृषि सुधार हम देख रहे हैं उसके मूल में आपकी ही रिपोर्ट रही है, इसलिए एक सवाल मैं जोड़ देती हूं, उसके बाद राजीव आप अगला सवाल जरूर कीजिएगा। सवाल यह है कि आपने चूंकि अलग अलग प्रदेशों का जिक्र किया और बिहार का जिक्र तब भी आया था जब कानून पारित हो रहे थे और अब भी आ रहा है जब आंदोलन हो रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं आ रहे। एक आय का जो आंकड़ा है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए सर, 42,000 रुपये सालाना बिहार के किसान की आय है, पंजाब के किसान की आय 2,19,000 है सालाना, हरियाणा के किसान की आय 1,90,000 है। कहा यह जा रहा है कि वो किसान जो बिहार में है वो पहले से ही दबे कुचले हुए हैं, पहले से ही उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर वो जो जिक्र आता है कि एपीएमसी मार्केट बिहार में तो नहीं है, क्या उससे आप जोड़ करके इसको देखते हैं? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो बिहार के किसानों की स्थिति है उनकी आय देख लीजिए, वही स्थिति कहीं पंजाब हरियाणा की नहीं हो जाए, यहां के किसानों की नहीं हो जाए। देखिए, उसमें बहुत से किसान हमारे कानून को समझे नहीं, हो सकता है समझाने में हमारी भी कमी रही, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों को समझाएं, और अगर कहीं पर कानून में अगर कोई कमी है तो बताएं, उसमें अमेंडमेंट हम करेंगे। इतने खुले दिल से सरकार बात कर रही है, लेकिन ये जिद के उसको वापस लो, उसके बिना हम बात ही नहीं करते। इस जिद के पीछे राजनीति है, इसके जिद के पीछे वेस्टर्न इंटरेस्ट है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार अपनी कोशिश जारी रखे, और किसानों से मेरा निवेदन है कि किसान इस कानून को समझने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी जी हमारी, देखिए इस सरकार ने किसानों के लिए कितना कुछ किया है,
करोड़ों किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, आज तक कभी गया नहीं था। और इतना नहीं, ये उस कमेटी की सिफारिश थी जिस कमेटी का, हाई लेवल कमेटी का मैं चेयरमैन था। और इसके साथ दूसरी हमारी सिफारिश है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपया जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है किसानों को नहीं मिलती, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं। हमने कहा था ये भी सीधे किसान को दी जाए, अब सरकार लगभग निर्णय कर चुकी है 70,000 करोड़ रुपया और किसान सम्मान निधि में जुड़ेगा तो किसानों को डायरेक्ट सहायता और ज्यादा होगी। इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन मुझे दुख है इस देश के अंदर कि इस किस्म के आंदोलन भ्रम के आधार पर खड़े किए जाते हैं, चलते हैं। शाहीन बाग में तो दंगे करवा दिए थे बिना किसी कारण के, भगवान करे इस आंदोलन में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं सरकार से भी कहता हूँ, किसान नेताओं से भी कहता हूँ, नाजुक दौर पर किसान आंदोलन आ गया है, अब संभले, बैठे, समझे, समझाए। अगर कोई कमी है तो सरकार की करने के लिए कोशिश है, यही हम कर सकते हैं। आपने कहा कृषि सुधारों की बात लगातार की जाती रही और कृषि सुधारों की बात होनी भी चाहिए, गांव कहीं पीछे छूट गया ये भी आप यहां पर कहते रहे, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आप जो कुछ भी कह पा रहे हैं, इशारा आप ये दे रहे हैं कि ये सब कुछ खास विचारधारा के चलते प्रभावित हो रहा है, किसान इसमें ज्यादा नहीं जुड़े हैं, क्या यही हकीकत है ग्राउंड पर? क्या ग्राउंड पर कोई भी ऐसा नहीं है जो किसान नहीं है, जो समझ ना पा रहा हो इन चीजों को? आपकी पूरी बात मुझे नहीं समझ आई, पर मैं समझता हूं कि किसान की हालत देश में अच्छी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आजादी के बाद किसान खुदकशी करता था, इससे बड़ा कलंक कोई नहीं हो सकता। उसी को ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश जब हो रही है तो वेस्टर्न इंटरेस्ट बीच में आ रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है, हम समझाने को तैयार है, हम समझने को तैयार है, बैठे समझाए। बहुत सी बातें मान ली, कोई जरूरत नहीं थी ये कहने की एमएसपी की गारंटी देंगे, लिखित गारंटी दे दी, 3-4 जगह और भी अमेंडमेंट कर दी, किसान और बात करे, जहां जरूरत होगी हम कानून में संशोधन करने को सरकार तैयार। शांता कुमार जी, अगर ये कृषि कानून जिस रूप में है उसी रूप में ये चलते रहते, इस तरह का आंदोलन ना होता, सोचना नहीं पड़ता, कितना बड़ा परिवर्तन आप आगे आने वाले दिनों में किसानों की जिंदगी में देख रहे हैं? और अगर आप देख रहे हैं तो किसान जो खड़ा है सीमा पर वो क्यों नहीं देख पा रहा? कृषि कानून जो किसान आप देख रहे हैं, किसान क्यों नहीं देखता? ये दुर्भाग्य देश का। मैंने कहा इसमें किसानों की भी कमी है, हमारी भी हो सकती है, देश की राजनीति की कमी है। देश की राजनीति देश के लिए नहीं है। आज इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है, 1947 से पहले देश की राजनीति देश के लिए थी, शहीद फांसी के फंदों को चूमते थे, आज देश की राजनीति देश के लिए नहीं है, आज देश की राजनीति कुर्सी के लिए है, वोट के लिए है। सब नेताओं के सामने मेरी कुर्सी मेरा वोट, अगर ये ना होता तो हिंदुस्तान कब का स्वर्ग बन गया होता, और यही कारण है। वो समझ देखिए, जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, जो जानबूझ कर सोया है जितनी मर्जी आवाजें लगाओ वो जागे कर रही। अब मैं हैरान हूँ, देखिए कि गंगा के किनारे खड़े होकर देश का वो प्रधानमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, दिन रात देश के लिए काम कर रहा है। कई मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जिसका व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, दिन रात देश के लिए काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है, 370 जैसे खत्म करने का उसने संभव काम को संभव कर दिया, ऐसे प्रधानमंत्री गंगा के किनारे खड़ा होकर और सामने चांद को कहकर एक प्रकार से गंगा की कसम खाकर के कह रहा था एमएसपी वापस नहीं होगा। जी मंडियां बिल्कुल, शांता कुमार जी, सरकार लगातार ये बात कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। एक और बात जो सरकार कह रही है कि बिचौलियों से मुक्ति दिलाने वाले ये कानून हैं। आप कृषि के इतने बड़े जानकार हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि कहा एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि बिचौलिए तो हट जाएंगे मान लीजिए, लेकिन बिचौलिए जो है वो निजी कंपनियों का रूप ले लेंगे, अब निजी कंपनियां ही बिचौलिया बन जाएंगी, ये जो आशंका है उसको आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने भी इसका जिक्र सदन में खड़े होकर किया है। बना लेंगे तब देखिए, बाकी प्रदेश के अंदर भी कंपनियां बन जाए, कुछ भी हो जाए, जब किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा रहा है। देखिए किसान कंपनी को बेचने के लिए मजबूर नहीं है,
किसान की मर्जी होगी जिसको देगा, किसान सरकार को भेजेगा, सरकार है एमएसपी लेंगे, मंडी है। लेकिन अगर किसान का अनाज अधिक भाव से बिकता हो उसको क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? ये तो एक ऑप्शन दी है, किसान को और अधिकार दिया है कि तुम्हारी मजबूरी नहीं है। आज मजबूरी है, देखिए मैं आपको कहता हूं 6% किसान बढ़े एमएसपी का फायदा, बाकी किसान क्या करते हैं, बाकी किसानों से बड़ा किसान खरीद लेता है। मैंने तो गहराई से अध्ययन किया है, मैं मंत्री रहा हूं, मैं कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं, छोटे किसान से बड़ा किसान खरीदता है और वो सरकार को बेचता है, किसान को तो कुछ मिलता नहीं, इसीलिए किसान की खुदकशी हो रही है। हम किसानों को उस जंगल से निकालना चाहते हैं, भगवान करे सबको सद्बुद्धि, देश के नेताओं को, इन कानूनों से क्रांति आएगी भारत के कृषि व्यवस्था के अंदर। तो आप कह रहे हैं छोटे किसानों से बड़ा किसान खरीदता है, वो सरकार को बेच देता है, अगर आप तक ये जानकारी है तो तमाम सरकारों से जो अब तक बनती रही उन तक भी ये जानकारी थी, क्यों नहीं जड़ पर पहले प्रहार किया गया, इसको खत्म किया गया, सीधे छोटे किसान की क्यों नहीं सोची गई पहले? देखिए इसका एक कारण ये भी है, पंजाब के बड़े बड़े किसान आढ़ती भी है, बादल परिवार का एक आदमी आढ़ती भी है, ये एमएसपी का फायदा भी उठाते हैं, आड़त भी खाते हैं, ये बहुत बड़ा धंधा है। बड़े बड़े किसान कम भाव पर लेकर को देते हैं, बड़े बड़े किसान छोटों से लेकर बड़ों को देते हैं और आड़त भी वही खाते हैं। ये 500 करोड़ का मामला है, ये 500 करोड़ बोल रहा है। आज वहां पर जो पिज्जा और पता नहीं क्या कुछ खिलाया जा रहा है, पंजीरी खिलाई जा रही है, 1000 किलो बादाम चले गए, कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं जो आड़त खाते हैं, जिनको डर लग रहा है कि ये व्यवस्था आने के बाद हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जी जी शांता कुमार जी, एक और अहम सवाल जो खड़ा हो रहा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि इससे स्टॉक लिमिट खत्म हो जाता है। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी एक जो सवाल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर बना हुआ है, क्योंकि उससे स्टॉक लिमिट अगर खत्म हो जाएगा तो आशंका यह है कि उससे जो छोटे किसान हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने पास स्टॉक करके रख लेंगी जो अनाज है उसको, और उसके बाद ज्यादा दाम में बेचेंगी क्योंकि उनके पास पूरा कोल्ड चेन है, पूरा सिस्टम उनके पास है। तो ये जो आशंका है छोटे किसानों की, उसे आप कैसे दूर करेंगे? छोटे किसानों की जो आशंका है उसको कैसे दूर? छोटे किसानों की शंका नहीं है, छोटा किसान भ्रमित कर दिया गया है, छोटा किसान समझता नहीं है, छोटा किसान तो खेत में है, छोटे छोटे किसान जिनके 2-4-5 खेत हैं वो कहां वहां पर है। हाँ बड़े बड़े किसानों का आंदोलन है, बिचौलियों का आंदोलन है, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है, सभी पार्टियां राजनीति की रोटी सेक रही हैं। अब पार्टियों का क्या काम है वहां पर, मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार के घटिया नारे लगाने का क्या काम है राजनीति के अंदर? तो मैंने आपको कहा ना कि देखिए मैं राजनीति में हूं पर मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए बन गई। जी, देश जी। के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, ये दुर्भाग्य है। सारी पार्टियां सोच रही है कि मोदी को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता, आंदोलन को और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, शाहीन बाग में क्यों सौगन बैठे रहे लोग? किसी देखिए ये कानून था जो बाहर से लोग आने थे उनके लिए, हिंदुस्तान के किसी आदमी से नागरिकता कानून का कोई संबंध नहीं था। सौगन, शाहीन बाग, दंगे, 50 लोग मरवा दिए, देश का दुर्भाग्य है देश का। और इसमें विदेशी शक्तियां भी काम करती है, बाहर से पैसा भी आता है भारत को हारने के लिए। तो मैं किसानों से कहूंगा कि उनके मन में अगर कोई बात है, संदेह है, आए सरकार से बात करें, हम खुले दिल से बात करने को तैयार है, बातचीत के बाद ही बात बनेगी। अड़ियल जो रहे इसको वापस लेने की बात को तब बात करेंगे, ये राजनीति है, ये किसान नहीं बोल रहा। अगर किसान बोलता, किसान कहता हाँ हमें ये शक है इसको भी ठीक कर दो,
ये राजनीति बोल रही है, राजनीति चाहती है, राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं शांत कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, और उसके साथ साथ कृषि सुधार कमेटी जो 2014 में बनी थी उसके सदस्य थे और उसको उन्होंने सब देखा भी था, और उनका सीधा सीधा इशारा है कि यहाँ पर किसान नहीं है, यहाँ पर राजनीति कहीं ज्यादा बोल रही है। शुभ्रा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, किसानों के मसले पर ही और जानकारी आपको देना जरूरी है। किसान आंदोलन का 21वां दिन है, आपको 21 तस्वीरों के जरिए हम किसान आंदोलन को समझाते हैं और कैसे किसान लगातार डटे हुए हैं, आप देखिए पहले ही दिन से, और 21वां दिन है आज। पहला दिन 26 नवंबर, 21वां दिन आज 16 दिसंबर का दिन है। तस्वीरें एक जैसी हर एक दिन, लगातार लोग इस दौरान, तमाम किसान जो कि सीमा पर दिल्ली के डटे हुए हैं, बने हुए हैं, फर्क सिर्फ मौसम का आया है, मौसम अब कहीं ज्यादा ठंडा हो चुका है। और आइए आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सब्यसाची आपको ग्राउंड रिपोर्ट देगा। 21 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और अभी तक इसका कोई हल निकला नहीं है। लगातार किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मैटर में इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया है कि एक कमिटी का गठन करना पड़ेगा, जिस कमिटी में जो किसान संगठन के चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और दूसरे स्टेक होल्डर होंगे, जो कि अपने अंदर पहले बातचीत करेंगे और पूरे मसले का हल निकालेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर से कह दिया है कि किसान संगठन और सरकार के बीच जो बातें हो रही थी, उस बातों से कोई भी हल नहीं निकला है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। सिंह बॉर्डर से सब्यसाची ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। वहीं दिल्ली का एक दूसरा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, यहां पर संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से टीकरी किसान नेताओं का क्या कहना है? हमारे साथ टीकरी के किसान नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जी, आप हरियाणा से चुकी हैं, अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे को सबसे सर्वमान्य है जी, उसके जो भी फैसला होगा हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। कमेटी बनाने की बात उन्होंने कही है, कमेटी का जो फैसला होगा क्या उसे मानेंगे आप लोग? हाँ, कमेटी का फैसला तो हमने सर्वमान्य है, पहले भी हमारी अपनी कमेटी बनाई हुई है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई जा रही है, अगर जो फैसला देती है, क्या किसान बात मानेंगे उनकी? नहीं, किसान के हित के फैसले करते हम तो पहले भी मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। किसान के हित की बात होगी तो जी, अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम तो आंदोलन जारी है जी, ये किसी तरह से हम किसान के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन किसान के हित में जो भी विश्वास रखेंगे, भी जो लाखों लाखों किसानों, करोड़ों जनता का पेट भरने का काम करता है, उसको हित में, इसके हित को, किसान के हित को दे करके जो फैसला करेगा उसको सर्वमान्य है। सर्वमान्य है सर, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा सुना होगा स्टेटमेंट क्या क्या हुआ है, लेकिन लगता है कि जो जिस हिसाब से उन्होंने बातें कही, किसानों को किसने रोका, क्यों रोका, किससे रोका, लेकिन जैसा तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या वो जायज है, सही है? पहली बात तो ये है, सरकार बोल रही है किसानों जाम, किसान जाम लगा के बैठे हैं, ये बिल्कुल बकवास करते। वो पहले हम पंजाब से मूव किया, देश भारतवर्ष की हमारी राजधानी दिल्ली है, क्या देश के वासी किसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? हमारा अधिकार नहीं है? हम कह रहे पहले खट्टर सरकार ने हमारे ऊपर आथरू गैस के गोले छोड़े, पानी की बिछारा छोड़िया, जमीन सड़क फूट दी, और ये कोपरा तार पूरे हिंदुस्तान में बैन वो लगा दी, और हमको दिल्ली नहीं आने दिया। तो बाद में बोल रहे हैं भी ये एजिटेशन है, इसमें के पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। शर्म नहीं आनी चाहिए इसको? पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये दूसरे मुल्कों के जुड़ रहे हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं भी अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका दायर किसी ने की है उसकी सुनवाई हुई है, तो हमारी जथेबंदी शाम को प्रतिक्रम देंगे, हम मीटिंग चल रही है शाम को, तो जो तीस जथेबंदियां और देश की जथेबंदियां मीटिंग ला के प्रतिक्रम देंगे वो। हाँ, जिस हिसाब से बातें कही गई हैं कमेटी बनाने के लिए, तो लगता है कमेटी की जरूरत थी, या सरकार को डायरेक्ट किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी? फिर से सुप्रीम कोर्ट भी देखेंगे क्या वो किसानों को गोली से डराने का ऑर्डर तो नहीं ना देंगे?
हम देश के वासी है, सुप्रीम कोर्ट हमारे मारने का आर्डर, तोपों का, टैंकों का आर्डर दे देंगे क्या? उनको नहीं पता पूरे हिंदुस्तान का किसान ये बैठा है, रोड पर बैठा है। उन्होंने बोला कि किसानों को ऐसे कोई भी टिप्पणी नहीं उन्होंने ऐसी की, बड़े ही सौहार्दपूर्ण, बड़े सही तरीके से उन्होंने कहा कि किसानों को किसने रोका, ये सवाल पूछा याचिकाकर्ता से और सॉलिसिटर जनरल से। यहाँ पे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, इसके लिए आप बीच का रास्ता सरकार नहीं निकाल पा रही, इसलिए कमेटी का गठन किया गया है। पहले तो ये शाहीन भी बाघ से इसको जोड़ रहे थे, जात पात में जोड़ते हैं, कभी हमारे में बांटते हैं, कभी बोलते ये किसान नहीं है वो किसान है, कभी किसी को। पहले तो इसको ये समझना चाहिए किसान कौन है, इसको पता है किसान कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कमेटी बनाकर इस मसले को सुलझाइए, उसी पर आप किसानों की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो भी हम बताते हैं, हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी वहां पर मौजूद है लगातार, किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की है, सुनिए। राकेश टिकैत जी मौजूद हैं सर, आज काफी लंबी मीटिंग यूपी गेट पर आपने की है, आगे क्या रहने वाला है? जो अपने कार्यकर्ता हैं सब, उन लोगों से बातचीत करी कि इसकी व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं है जी। कुछ लोगों का ये है कि यहाँ पे ट्रक शो कर सकते हैं, तो बैरिगेटिंग वहाँ पे करी, हमने फोर्स को भी कहा कि जो डायरेक्ट रोड आ रही, कोई नशे में लोग आ गए, कोई सीधा ट्रक लेकर कोई यहाँ पे आ गए, तो आप उसको जो पत्थरों से उसको बैरिगेटिंग वहाँ पे करें जी। क्योंकि तो, किसान सिर्फ ट्रैक्टर के साथ है शायद? हाँ, ट्रैक्टरों के साथ है, ट्रैक्टर से नहीं, कोई असामाजिक तत्व ट्रक लेकर आ जाए, कोई यहाँ पे अपने लोगों के बीच में को ट्रक निकाल दे, तो इस तरह की कोई है इनपुट्स मिले हमको भी, और ये कहा कि सतर्क रहो, तो हमने प्रशासन को कहा कि वहाँ पर आप बैरिगेटिंग कर दो, जो पत्थर है बड़े वाले वे वहाँ पे लगाओ, और अपने लोगों को भी कहा कि सक्रिय रहो, एक दूसरे लोगों को देखो कि वो बाहरी लोग तो नहीं है। कल भी यहाँ से 3 लोग हमने पकड़े, तो बाहर के लोग थे वे। कौन कौन हो सकते हैं इसके पीछे, और ये जो इनपुट मिला अगर आप बता पाए, शेयर कर पाए कि आपके अपने इंटेलिजेंस ने दिया है या फिर सरकारी तौर पर आपको मिला है? नहीं, हमारी मीटिंग होती है, सरकार के जो अधिकारी हैं और जो अपने लोग होते हैं, तो उनसे दोनों से मिलकर पूरा कंबाइन वो चलाते हैं, कुछ भी हमको बताते हैं, कुछ हम उनको बताते हैं। तो ये सरकार से अगली मीटिंग की अभी कोई बात है, वार्ता के लिए कोई अभी बात नहीं? अभी तो नहीं कोई बातचीत। हमने ये कहा कि ये जो बातचीत बीच में टूट रही है, ये बातचीत होनी चाहिए। किसानों की जो अगली रणनीति के लिए कोई मीटिंग, हमने सुना महापंचायत भी एक होने वाली है यहाँ पर? नहीं, ये तो रोज ही पंचायत है, लोग आ रहे हैं तो पंचायत ही है, कल करेंगे, कल नरेश टिकैत जी यहाँ पाएंगे और कुछ लोग और यहाँ पाएंगे, तो बात करेंगे, पूरा जायजा इसका लेंगे, वे देखेंगे।